गाइज, अगर आप सब भी HDFC का कस्टमर हैं तो आप सब के लिए गुड न्यूज है और साथ में बेड न्यूज भी है। गुड न्यूज उनके लिए है जो कि फ्रॉड के आज के डेट में आपको मालूम है कि इंडिया में कितना फ्रॉड चल रहा है, उस स्थिति में अभी आपको बचाव भी होगा 1 अक्टूबर से और साथ में आप सबको बेनिफिट भी मिलेगा। बेनिफिट क्या है पहले आप ये जान लीजिए। सब भी HDFC मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग से आप ऑटो पेमेंट सेटअप करके रखे हैं तो अभी आप सब 1 अक्टूबर से नहीं कर पाएंगे। अभी आप बोलेंगे क्यों नहीं कर पाएंगे, तो गाइज देखिए 1 अक्टूबर से होगा, बशर्ते आपसे को पहले आपको एक परमिशन या आपको बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके अकाउंट से इतना पैसा डिडक्ट होने वाला है। फिर आप कंफर्मेशन देते हैं तो जाकर बैलेंस डिडक्ट होगा, अगर आप कंफर्मेशन नहीं देते हैं तो आपका बैलेंस डिडक्ट नहीं होगा। उसके बाद भैया OTP के थ्रू आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया जाएगा, जो कि 1 अक्टूबर से RBI के गाइडलाइंस के अनुसार, जो कि बहुत सन क्या करता था कि बिल पेमेंट करने टाइम पे अपना ऑटो बिल पेमेंट सेटअप कर लेता था, यानी हमको बिना पूछे अपना बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, इस तरह का पेमेंट सेटअप किया जाता था। जैसे कि बिल पेमेंट करना हो या इंश्योरेंस बिल पेमेंट करना हो, किसी भी में अभी मैं अपना ऑटो बिल पेमेंट सेटअप कर लेता था। तभी RBI कहना यह है कि कस्टमर अगर आपको ऑटोमेटिक बिल पेमेंट ऑप्शन सेटअप करके रखा है तो उनको आप पहले नोटिफिकेशन दीजिए, क्योंकि इससे पहले नोटिफिकेशन कुछ मिलता नहीं था। अगर आप 5 तारीख को ऑटो पे लगाए हैं तो ऑटोमेटिक आपको 5 तारीख का पैसा कट जाता था। बट अभी RBI का कहना यह है कि अगर आप ऑटो पे लगा कर रखा है कस्टमर, तो पहले आप उसको नोटिफिकेशन दीजिए कि भाई आपके अकाउंट से इतना पैसा कटने वाला है, सच में कटने वाला है तो आप यस कीजिए, अगर आपको नहीं कटना है तो आप नो कीजिए, फिर आपका बैलेंस उधर से रुक जाएगा। तो आज कुछ ये अपडेट आया जो कि आपको 1 अक्टूबर से आपको देखने को मिलेगा। साथ में बता दूं कि अगर आप धनी पे का भी वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो बता दूं कि अभी आप सबके लिए भी बेड न्यूज है। बेड न्यूज इसके लिए है कि क्योंकि इससे पहले हम लोग धनी पे का जो वन फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है क्यों हम लोग यूज करते थे, खासतौर पर कैशबैक के लिए। अगर बता दूं कि अगर आपसे कैशबैक के लालच में अपना वन फ्रीडम क्रेडिट कार्ड लिए हैं जिसके ऊपर मैं हायरिंग चार्ज क्या है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, जिसका लिंक मिलेगा वीडियो का आइकन पे। साथ में बता दूं कि अभी आप सब धनी वन फ्रीडम क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 2% कैशबैक जो इससे पहले मिलता था ना, अभी वो कैंसिल करके सिर्फ 1% ही आपको कैशबैक मिलेगा। यानी आप जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे ऑनलाइन उसके ऊपर आपको सिर्फ 1% कैशबैक मिलता था। जैसे कि अगर आप इससे पहले क्या करते थे, अगर आप 100 रुपया यूज करते थे तो आपको कितना मिलता था कैशबैक, 2 रुपया का समथिंग मिलता था, ठीक है। बट अगर अभी आप शॉपिंग करेंगे ऑनलाइन तो आपको 1 ही रुपया कैशबैक मिलेगा। तो गाइस ये बहुत बड़ा झटका दिया है धनी पे की तरफ से, क्योंकि इससे पहले लालच तो बहुत दिया गया था कस्टमर को और अभी वो लालच को तोड़ रहा है धनी पे ने। तो इससे पहले हेडिंग चार्ज तो हाई लेवल का था ही, अभी धीरे धीरे कैशबैक भी कम कर रहा है तो कस्टमर का भी बहुत नुकसान भी होगा। इसके बारे में आपको क्या कहना है नीचे कमेंट के माध्यम से आपको जरूर कहिएगा। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।